क्या गलत बात है, उन्होंने कौन सी गलत बात को कहा है? तो आप शूद्र हैं? बिल्कुल मैं शूद्र हूँ, नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ। हिंदू नहीं है आप? मूंछ रखने पे, दाढ़ी रखने पे, मटके से पानी पीने पे आप इस देश के अंदर में उसका मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, और आप बोलते हैं कि दलित हमारा हिंदू है। खंड तो शुरुओं से आज 4,000 वर्षों से, 3,500 वर्षों से लगभग ये पाखंडवाद और अंधविश्वास जो है पूरे देश में फैला है। अरे भैया, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बस में नहीं था, नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म को त्यागना मेरे। अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक को मानने वाला अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो गलत कर रहा है, ये उनका विरासत खतरे में नजर आ। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का जो बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है, उन्होंने देवी देवताओं पर टिप्पणियां किया, लेकिन भाजपा का कहना है कि लोग देश में धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, समाजवाद की बात करते हैं और धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे डॉक्टर शैलेश सागर जी, आरजेडी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि आप भी गए थे फतेह बहादुर जी के साथ में समर्थन करने गए थे कि देवी देवताओं पर जो टिप्पणियां उन्होंने कहा, उन्होंने आपने कहा कि शाबाशी देने के लिए गए थे। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल, आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था जो कार्यक्रम हुआ और जहाँ से ये बयान आया वहाँ पे मैं भी था। चूँकि फतेह बहादुर सिंह हमारे माननीय विधानसभा के सदस्य हैं और उन्होंने अगर इस तरह का बयान दिया है तो ये बयान जो है उनके मुताबिक, ये जो है उन्होंने जो पढ़ाई करी है, जो स्टडी किया है, वैदिक काल में लिखे गए धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि काल्पनिक ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको ये बुरा लग रहा है और मनुवाद सोच रखने वाले, जो मनुवादी सोच के व्यक्तित्व के लोग हैं और जो क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था कायम करने वाले लोग हैं, उनको आज लग रहा है कि कोई जो है विधायक, कोई जो इस तरह का जो समाजवाद सोच रखने वाला है ना इस देश में, जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक को मानने वाला अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो गलत कर रहा है, ये उनका विरासत खतरे में नजर आ रहा है। विरासत नहीं, नकली समाजवादी हैं आप लोग। नहीं देखिए, अगर काल्पनिक की बात करके धर्म को ठेस पहुंचा, देखिए काल्पनिक बातों को काल्पनिक कहना, हाँ। ये कहाँ से आपका इसका मतलब गलत? देवी दुर्गा मतलब काल्पनिक है? क्यों काल्पनिक है? बिल्कुल बिल्कुल काल्पनिक, उन्होंने काल्पनिक, इतिहास नहीं उन लोगों का, नहीं उन्होंने काल्पनिक को, इतिहास है कि नहीं उन लोगों का, क्या इतिहास है बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है? लोग तो मान रहे हैं ना कि देवी दुर्गा है। देखिए, मानने वालों को हमने रोका है, मानने वाले को हमने रोका है, किसी को बोला है हमने? हाँ। मानने वाले मानते रहे हैं, हाँ। है? मानने वाले तो पत्थर को कहते हैं कि भगवान है। आप एक बात बताइए, अगर पत्थर को पूजने से बच्चा पैदा हो जाता है, हाँ। तो लोग शादियां क्यों करते हैं? हाँ। ये कोई लॉजिक है? जो काल्पनिक चीज है उसको काल्पनिक कहा है उन्होंने, हाँ। हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। अंधविश्वास है मतलब ये सब? क्यों अंधविश्वास और पाखंड तो शुरुओं से आज 4,000 वर्षों से, 3,500 वर्षों से लगभग ये पाखंडवाद और अंधविश्वास जो है पूरे देश में फैलाया गया है। आरजेडी वाले को समझ कहे नहीं आ रहा है, कभी शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, कभी कभी रितलाल यादव बोल देते हैं, मतलब आरजेडी वाले को यही रह गया है धर्म को ही बोलना गलत। भैया, आरजेडी वाले अगर विधायक और सांसद और मंत्री बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं भाई? ये एक बात हमको बताइए, ये सारा चीज उन्हीं के धर्मशास्त्रों में लिखा गया है और उसी को पढ़ के अगर वो बोलते हैं तो कौन सा बात है इसमें, क्या गलत बात है इसमें, ये आप हमको बताइए क्या गलत बात है? उन्हीं के शास्त्रों में लिखा गया है, आप कहते हैं ना हिंदू 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 राष्ट्र बनाना, आप एक बात हमको बताइए, अगर इस देश में हैं अगर हिंदू की बात आती है तो क्या सारे दलित में जितने भी 6,743 जातियों में लोग बांट दिया गया है तो क्या वो लोग नहीं हैं? आप चुनाव के समय में आप आ जाते हैं, बताइए चुनाव के समय कहाँ आ रहे हो? तो भक्त देशभक्त बनाने की बात करते हैं, देश के लिए क्रांति लाने की बात करते हैं। देशभक्ति की अगर बात होती है, हाँ। तो सारे लोग यहाँ देशभक्त हैं, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है, हाँ। और जो लड़ाई लड़ते हैं वो देशभक्त कहलाते हैं, वो भी देशभक्त कहलाते हैं। आप अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक उत्थान के लिए आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं कि समाज में भला हो, आप भी देशभक्त हैं, आपको कहाँ से अलग किया जा रहा है? धर्म से क्या दिक्कत है आपको? धर्म क्यों? धर्म मतलब क्या है? धर्म क्यों बर्बाद करना चाह रहे? कोई धर्म बर्बाद नहीं किया जा रहा है। आरजेडी वाले जितना भी है समाजवाद की बात करते हैं, आरजेडी के विधायक मंत्री ने जो भी कहा है, हाँ, जो भी बयान देते हैं वो तथ्यों पे बयान देते हैं। आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में जो बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, उनके वैदिक काल में लिखे गए तमाम धर्म शास्त्रों में ही SC ST OBC को शूद्र बताया गया है, फिर क्या गलत बात है, उन्होंने कौन सी गलत बात को कहा है? तो आप शूद्र हैं? बिल्कुल मैं शूद्र हूँ, नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ।
हिंदू नहीं है आप? एकदम नहीं हूं। तो बहुत बड़ी बात है, हिंदू नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शूद्र हूं। तो आपकी जन्म तो आपकी हिंदू धर्म में हुई? अरे भैया, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बस में नहीं था, नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म को त्यागना मेरे बस में है। भैया, हिंदू अगर कहते हो तो एससी एसटी ओबीसी को क्यों नहीं, ये जातिवाद खत्म कर दो ना इस देश से। एससी एसटी हिंदू है, चुनाव के समय हिंदू हिंदू याद आता है, और बाद में आप दलित को मंदिर में जाने से रोकते हैं, हाँ? हैं? उनके साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं, कहेगा हिंदू कौन? हिंदू जी कोई हिंदू नहीं, हिंदू है बताइए, हिंदू नहीं है, नहीं है हिंदू, नहीं है वो, कहेगा हिंदू? जब आप उसको अछूत मानते हैं, जब आप उसको घुसने नहीं देते हैं मंदिर में, उसके छुए हुए बर्तन से आप बोलते हैं कि इसको हटा दो, पीने नहीं देंगे, मूछ रखने पे, दाढ़ी रखने पे, मटके से पानी पीने पे आप इस देश के अंदर में उसका मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, और आप बोलते हैं कि दलित हमारा हिंदू है। आप एक, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप किसी ब्राह्मण से पूछिए जाकर, अच्छा। के कहिए कि आप हिंदू हैं, वो कहेगा कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। आप बात ब्राह्मण में हिंदू नहीं कहेंगे अपने आप को? नहीं कहता जी, आप कहिए, सीधे कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, फिर कहेगा हिंदू भैया। एक लास्ट सवाल, बिहार में अमित शाह आए थे, और बिहार में तमाम सारे लोग जो कि परिचर्चा बनी हुई थी कि बिहार में आएंगे तो बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। देखिए, विपक्षियों का काम है हल्ला करना कि बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो कौन सी कानून व्यवस्था यहाँ बिहार में अच्छा था, ये हमको बताइए ना। कोई अच्छा सा कानून व्यवस्था है जिसके तहत में न्याय मिला हो वो हमको बता दीजिए आप। न्याय की बात, आज अगर आरजेडी जदयू के साथ में अगर सरकार चला रही है तो भाजपा वालों को इतनी मिर्ची लग रही है? ऐसे पहले कहाँ गए थे जब इस देश में बिहार राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं, लूट, मर्डर हो रहा था, उस समय क्या जंगल राज नहीं था? जंगल राज दिखता है। माननीय तेजस्वी जी, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी 1,20,000 लोगों को नौकरी दी गई ना, अभी बांटा गया ना, काहे मिर्चा लग रहा है सबको? यही जंगल राज चाहिए हमको, यही जंगल राज चाहिए ना। अगर नौकरी बांटना, नौकरी देना, और लोगों के साथ न्याय करना, और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये जंगल राज है तो ये जंगल राज रहना चाहिए। चलिए, तो नौकरी देना और महिलाओं को सुरक्षा देना, अगर ये इस पे बात खड़ी होती है कि बिहार में जंगल राज है, तो ये जंगल राज आरजेडी वालों को कबूल है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का लोग इंतजार कर रहे थे, गृह मंत्री आए हैं तो बिहार में विशेष रथ की दर्जे की बात होगी, और 2 करोड़ जो रोजगार है उसकी बात होगी, लेकिन इन्होंने 7 तौर पर कहा। देखिए, हम बात इस मसले पे किए थे कि आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का जो बयान आया है कि देवी देवता जो इनकी है वो काल्पनिक है, तो इन्होंने 7 तौर पर कहा कि अभी बात समझ लीजिए, उनके जो बयान है मैं उसका समर्थन करता हूँ, और इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि आज देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो हिंदू नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं शूद्र में है और हिंदू नहीं है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है।